हे गाइस, वेलकम टू सुपर इंडियन मॉम। मैं हूँ प्रियंका। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बहुत ही इजी एक सिंपल सॉफ्ट रोटी। तो यहाँ पे मैंने एक कप आटा ले लिया है और इसमें हम थोड़ा सा नमक देंगे स्वाद अनुसार। नमक एकदम ऑप्शनल है, आप यूज़ भी कर सकते हैं या नहीं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम अभी हाफ कप पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा जो बैटर है ये बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, इसीलिए यहाँ पर मैं और 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर फिर से ऐड करूँगी। और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आटा यानी कि व्हीट, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें विटामिन बी और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये बच्चों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिन बच्चे को कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो ये डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्प करता है। आप कह सकते हैं आटा एक पावर हाउस है कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो ये हमारा बैटर थोड़ा सा पतला हो गया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा छिड़क रही हूँ ताकि ये बैटर थोड़ा सा ठीक हो जाए। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है। अभी हमें चाहिए एक फ्राइंग पैन जो मैंने पहले से ही हीट करके रखा है। तो इसमें हम डालेंगे अभी 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल और इस ऑयल को हम अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ ए ब्रश हम स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बार ही ऑयल यूज़ किया है फर्स्ट टाइम। सेकंड जब बैटर हम डालेंगे तब हमें ऑयल नहीं चाहिए। तो अभी हम इस पे बैटर डालेंगे। अभी इसको हम थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ ए स्पून हम थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत अच्छा होता है बेबी के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अभी गैस का आज मैं हाई फ्लेम में कर रही हूँ। एक साइड हो गया है, अभी दूसरे साइड को मैं पलट दूँगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है और बच्चे के लिए भी मतलब खाने के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है। तो दूसरा साइड भी हो गया है, अभी थोड़ा सा प्रेस करके हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है, एकदम परफेक्ट है। ये देखिए रोटी, जब हम नॉर्मल रोटी जब बनाते हैं जैसे ये सेकते हैं, सेकने के बाद जब रोटी फूल जाता है तो ये भी ऐसा सेम वे में फूल रहा है। तो ये सॉफ्ट रोटी बिल्कुल रेडी है परोसने के लिए हमारे बच्चे को। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के बताइए ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं चलती हूँ, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब